की नगरी। दोस्तों आप ये पूरा मैप पढ़ सकते हैं कि यहाँ यहाँ पृथ्वीराज चौहान का राज था, और सामने की तरफ लगा हुआ है पृथ्वीराज चौहान का स्टैचू, ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, और ऊपर की तरफ में है तारागढ़ फोर्ट, जो ऐसा माना जाता है कि उत्तरी भारत का सबसे पहला इतना ऊंचा फोर्ट था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा मैप बनाया गया है इनको दर्शाने के लिए कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य इतना बड़ा फैला हुआ था। सबसे नीचे ये है चित्रकूट, इधर के साइड में है रणथंबोर और अजय मेरू, नागौर, इधर खंडेला, दिल्ली, हस्तिनापुर, बादरा और बठिंडा, बठिंडा तक इनका पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। और यहाँ मैं आज आपको बता देता हूँ कि अजमेर के अंदर आया हुआ था पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर। तो यहाँ पर इन्होंने पूरा मैप दर्शाया गया है, पहाड़ी के ऊपर है ये तारागढ़ फोर्ट की पहाड़ी है। तो यहाँ पर इन्होंने एक स्टैचू बनाया हुआ है और समझाया हुआ है कि कैसे यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य फैला था। और साथ ही ये नदी भी दर्शाई गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये साइड में यहाँ पर ये नदी है सिंधु नदी, वहां पर लिखा हुआ है सिंधु नदी, ये देखिए ये साइड में सिंधु नदी है और एक उस तरफ नदी है, तो दोनों तरफ ये नदियां थी और ये पूरा साम्राज्य था। तो अभी हम चलेंगे पृथ्वीराज चौहान के वो स्मारक की